शिवानी कुमारी ऑफिशियल, ये नाम किसी से छुपा नहीं हुआ है। शिवानी कुमारी जो बिल्कुल पिछड़े गांव की देहात की लड़की है, अचानक से वायरल हो जाती है और सोशल मीडिया पे इस समय बिग बॉस पे उसका सिलेक्शन हो चुका है और वहां पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जो बिग बॉस प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिल्मी दुनिया के लोग यहाँ पे जाते हैं, तरह तरीके के सवाल उठ रहे हैं। शिवानी कुमारी इसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं इस बात को लेकर। तो आज से बात करूंगी आपसे, क्या गांव की एक बिल्कुल पिछड़े गांव की लड़की अचानक से इतनी आगे बढ़ जाती है, उसको सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म, जो बिग बॉस जैसा फिल्म इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेके कई सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने टैग ऐश्वर्या मैम का वीडियो देखा आज अभी और मैं तुरंत, मुझे लगा कि इस पर हमको बात करनी चाहिए। उन्होंने वीडियो में कहा है कि शिवानी कुमारी को वहां पर ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है गांव की है और उसकी देहाती भाषा को लेके। हमारे गांव से बड़े बड़े लोग उभर कर बहुत बड़े बड़े पद पर गए हैं और बहुत सारे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आए हैं। जो हमारे देश के सबसे बड़े प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं, उनका गांव हमारे गांव से थोड़ी दूरी पे है। और बहुत बहुत सारे ऐसे गांव देहातों से लोग निकल कर गए हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। शिवानी कुमारी भी उसमें से एक है। मैंने जो स्टॉप पे सबसे पहले शिवानी कुमारी का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई थी, किस तरीके से शिवानी कुमारी चप्पल लेके जब गांव से निकल रही थी हाट बाजार से, उसमें वो वायरल हो गई थी रातोंरात और अचानक से किस्मत पलट गई थी। और जिसमें बताया गया था कि इतने सारी बहनें होने के बावजूद, कोई भाई नहीं होने के बावजूद, शक्ल में थोड़ा रंग काला होने के बावजूद उन पे कितने सारे छींटा कसी, और ज्यादातर देहात ग्रामीण क्षेत्र में ये चीजें होती ही होती है। शिवानी कुमारी पर कई सवाल उठे थे, आज वो हमारे गांव देहात की लड़की अपने मेहनत के दम पर एक बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उतर गई है। और कई लोगों के सवाल है कि शिवानी को वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है, गंदा है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा बहुत सारी चीजें हमारे आम लड़कियों के मुकाबले में बहुत उनके बराबरी का नहीं है। लेकिन ये बेटी हमारी जो गांव की है वो उतर चुकी है आज बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे। हालांकि हम नहीं देखते, हमारे बच्चे देखते चीज, हम ज्यादा देखते नहीं है और ज्यादा हमको उसका नॉलेज भी नहीं है। क्या इस प्लेटफॉर्म पे शिवानी कुमारी को जाना चाहिए? उनका फ्यूचर सिक्योर है? क्या वो इस पे कर पाएंगी अपने देश का नाम रोशन, अपने गांव का, अपने देहात का नाम रोशन? सबसे पहले ऐश्वर्या मैम ने एक बात कही थी कि हमारे देहात की है, इसे सभी लोग जाके सपोर्ट करो। एक आईडी से 99 बार हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे गांव की, हमारे देहात की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे भारत की बेटी है, उसको जाकर पूरी तरीके से आप लोग सपोर्ट करें, हमारा फर्ज बनता है। और दूसरी बात, जिन लोगों के क्वेश्चन में, एक हमारी दीदी है बड़ी बहन सुमंदी, उनके उस पर किसी का कमेंट था शिवानी जी को लेकर जब वीडियो बनाया गया था कि शिवानी को ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत गंदा है। तो यहाँ पे बता दो, हमारे देश की, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बहनें किसी से भी कम नहीं है, वो हर स्थिति में अपने आप को सेफ रख सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। शिवानी कुमारी इस फील्ड पे उतरी है तो कुछ ना कुछ सोच कर उतरी होंगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत लड़की है। चीजों को सक्षम रखने में वो अपना अच्छा उत्तरदायित्व निभाएंगी, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से शिवानी फील्ड में उतरी है और अपना नाम रोशन करेंगी, यहाँ पे शिवानी के साथ हम लोग खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे गांव देहात से क्षेत्रों का नाम रोशन करने के लिए। अगर वो सोशल मीडिया पे इतनी फेमस हुई है तो आगे भी बहुत आगे जाएगी। गरीब घर की बेटी है, हर चीज देखा सुना है, और जो बच्चे को चीजें आसानी से मिल जाती है वो कभी उसका महत्व नहीं समझता है। जिस बच्चे को कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, उसकी कमियां पता होती है, तो बड़े सोच समझ के उस पर काम करता है। और शिवानी को ये सारी चीजें पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और सोच समझ कर ही वो इस फील्ड पर उतरी है, तो बहुत आगे जाएंगी। फिलहाल हम सबकी ब्लेसिंग से है शिवानी के साथ, दुआएं हैं ऊपर वाले से। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश की इस बेटी को, इस देहात की इस बेटी को आगे बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि शिवानी को सपोर्ट करें सोशल मीडिया में। हम गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारे गांव की, हमारे देहात की एक गरीब घर की बेटी है, तो इसको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। शिवानी ने अपने वीडियोज में बोला कि मुझे यहाँ निकाल
वहां से बाहर करने के कगार पे हूँ, तो आप सभी लोग वोटिंग करें, आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। शिवानी को खुलकर सपोर्ट करें क्योंकि वो हमारे देश की बेटी है और एक टैलेंटेड बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियोज के माध्यम से हमेशा समाज में एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।